हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मुंबई से वापस आया हूँ, कैंपस के लिए जाऊँगा NIT के लिए। तो अभी मैं सूरतकल स्टेशन पे उतर गया हूँ। मैं आपको सूरतकल से NIT के कैसे जाते हैं रूट्स मैं आपको शो करूँगा, दिखाऊँगा। सो चलते हैं, आपको रूट्स दिखाते हैं। ओके, स्टेशन है, मतलब स्टेशन उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी अगर मतलब आप NIT के लिए आ रहे हो तो फिर ये स्टेशन आपको मतलब इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से NIT के का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर ओनली है, 3 किलोमीटर। अगर आप मैंगलोर जंक्शन भी उतरते हैं तो वहाँ से भी आप NIT के आ सकते हैं, बट द थिंग इज वहाँ पे 30 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ जाएगा। और भाई कैब वगैरह ना तो बहुत ज़्यादा ही लूट लेते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो ऐसा मुंबई में भी नहीं है जैसा यहाँ पे फेयर वगैरह है। देखिए ये सूरतकल स्टेशन, और ये है स्टेशन। मैं आपको अभी आगे तक दिखाऊंगा, मैं बहुत पीछे उतरा हूँ और मेरा जो था, मैं जिसमें बैठा था वो बहुत पीछे था। सो मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। रिक्शा लिया जा सकता है, और यहाँ से जाने के लिए मोस्टली 100-110 अप्रॉक्स इतना ही आता है। वैसे कैब भी मिल जाएगी और रिक्शा भी मिल जाएगा अपने यहाँ जाने के लिए NIT के। सो ध्यान देना, ये लोग ज़्यादा भी बोलते हैं। सो ये रास्ता जाता है NIT के की तरफ, तो हम चलेंगे, पैदल ही चल रहे हैं। तो ये लोग भी जा रहे हैं। ये छोटा सा स्टेशन है, और यहाँ से उतरने के बाद और हम मैं अब पैदल चलूँगा, थोड़ा सुबह का वॉकिंग हो जाएगा। 6:41 हो रहा है इस समय। सो चलते हैं। तो जिस रूट से मैंने घूमा था पीछे, उस रूट से सीधा आएंगे जब हम लोग। सो यहाँ आगे से हमको राइट टर्न लेना है। सो हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। यहाँ से राइट टर्न लेना है। सो मैं राइट टर्न ले रहा हूँ।
सो यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अगर बस से ट्रैवल करता हूँ तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको तो बता ही दिया था यही है राइट टर्न। तो चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे खाने वाने के लिए सुबह सुबह आ रहे हो खाओ। और ये राइट टर्न लेने के बाद और गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है। ये यहाँ पे राइट टर्न लेने के बाद कंटिन्यूसली आपको सीधा जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो वहीं पे अपना NIT के यहाँ से बस मिलता है और तो बस यहाँ से 10-5 रुपए लेंगे, आपको सूरत कल पहुँचा देंगे। बैठते हैं बस के अंदर एंड फिर विल गो टू द कॉलेज। देख लीजिए यही बस स्टॉप है, यहाँ से बैठ के जा सकते हैं। सो विल आस्क एंड देन विल गो। तो मैं बस में बैठ चुका हूँ और अभी निकलूँगा NIT के लिए। सो बाय कंटिन्यू वॉकिंग यू कैन गो बाय 2 किलोमीटर देन यू कैन गो टू द कॉलेज। बट फॉर द इफ यू आर टेकिंग बस सो इट विल कॉस्ट ऑफ अराउंड 12, सो यू विल बी रीच इन द NIT के 10-12 रुपये दे के भाई पहुँच जाओगे तो 100 रुपये देने की क्या जरूरत है। सो अगर हम कंटिन्यू बस से चलेंगे और फिर हम पहुँचेंगे NIT के। सो आपको दिखाते हैं। फाइनली वी रीच टू द NIT के। बट अब मेरे को यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर मेरे को एंटर करना पड़ेगा। सो विल गो बाय दिस रूट। सो न्यू वाला गेट ओपन हो गया है, ये वाला गेट बंद है इस समय। ये देख रहे हो सामने जो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिस गेट क्लोज्ड एंड नाउ हियर न्यू गेट इज़ देयर। सो आई थिंक यहाँ से दिख नहीं रहा है, सो आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं। चलते हैं और फिर देखते हैं। ओके बाय कंटिन्यू वॉकिंग विल गो NIT के और वहाँ से मतलब बहुत आगे से लेके ये पूरा NIT के ही है भाई, पूरा NIT के है भाई। सो चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अब फिलहाल ब्रिज से क्रॉस करूँगा, कौन उतना दूर गया। सो रूल ओके। कैंपस के इस साइड भी ये सब भी NIT के ही है भाई, ये सॉरी रोड के इस साइड ये सब NIT के है।
और ये तो है ही है अपना NIT के। सो द थिंग इज नाउ वी विल क्रॉस द रोड एंड going towards NIT gate. So जैसा कि आप देख सकते हैं मैलम पहुँच गया है। एक बार एंट्री लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर बाहर आने को मिलेगा, इसके अच्छा इससे अच्छा तो बाहर से ही बना लेते हैं। ये पूरा बाहर से है क्योंकि एंट्री लेने के बाद अंदर एंट्री देते नहीं है जल्दी, तो बेटर टू ये दोनों साइड NITK का नाम लिखा हुआ है। सो फाइनली हमारा जर्नी डन हुआ और ये होल व्यू है। सो अब अंदर चलूँगा मैं, वेरिफिकेशन करूँगा और फिर 1, 2, 3।